हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल पर रिव्यू करने वाली हूँ प्लम के इल्यूमिनेंस क्लेंजिंग बाम को, और मैं एक डिफरेंट क्लेंजिंग मेथड का इस्तेमाल करूँगी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है आजकल। वन ऑफ द व्यूअर हैज सजेस्टेड मी इन द कमेंट सेक्शन, सो आई एम गोइंग टू डेमोंस्ट्रेट दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसकी MRP है 545 रुपीज और 90 ग्राम्स का ये प्रोडक्ट है। Let's have a closer view. This is the texture, just like a normal cleansing balm, and it comes with a spatula. तो मेकअप रिमूव करने से पहले आई एम गोइंग टू रिमूव माई कॉन्टेक्ट लेंसेस। Let me scoop out a small amount of it on my hands. और फेस पे अप्लाई करने से पहले मैं इसे अपने फिंगर्स के बीच में अच्छी तरह से वॉर्म कर लूंगी, एंड आई एम गोइंग टू जेंटली मसाज इट ऑन माई फेस स्टार्टिंग विथ माई चीक्स। धीरे धीरे प्रोडक्ट सारे मेल्ट डाउन हो रहे हैं। तो जनरली इसके बाद मैं एक वेट टिश्यू या फिर एक वेट क्लॉथ की मदद से इसे पूरा रिमूव करती हूँ, लेकिन जो सेकंड इसका एक मेथड होता है कि आप इसे पानी से इमल्सिफाई करें, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। आई डू वन थिंग, मैं अपने हाथों को थोड़ा वेट कर लूँगी इस तरह से, और इसे अपने फेस पर मसाज करूँगी। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मडी पानी है ये, और इसी तरह मैं गीले हाथों से बार बार इसे मसाज करके इमल्सिफाई करूँगी, एंड लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स आफ्टर इमल्सिफाइंग इट कम्प्लीटली। तो मैंने कम्प्लीटली इसे अच्छी तरह से इमल्सिफाई करके पूरे मेकअप को रिमूव कर लिया है, और मैंने अभी फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं किया है। And I don't feel like using a face wash क्योंकि मेरा फेस बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बट फिर भी डबल श्योर होने के लिए आई एम गोइंग टू यूज सैसलिक फोमिंग फेस वॉश। और इसे भी कुछ 30 सेकेंड तक मैं फेस पे मसाज करूंगी बिफोर वॉशिंग ऑफ इंटायरली विथ वाटर। So now is the time to check whether I get any of the makeup residue on my face even after using the cleansing balm, and I'm using this makeup removing wipe. I don't see anything. इनफैक्ट आई मेकअप में भी कुछ भी बाकी नहीं रहा है। तो चॉइस आपकी है कि आपको किस तरह क्लेंजिंग बाम यूज करना है। आप चाहें तो इमल्सिफाई करके वॉश ऑफ करें, या तो फिर आप सिंपली क्लेंजिंग बाम से मसाज करने के बाद वेट क्लॉथ से उसे वाइप ऑफ करने के बाद अगेन डबल क्लेंज करें विद अ फेस वॉश। तो अगर आप इमल्सिफाई करते हो तो उससे एक एडेड बेनिफिट ये है कि आपको सेकेंड टाइम वापस से फेस वॉश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आफ्टर यूजिंग द क्लेंजिंग बाम, क्योंकि क्लेंजिंग बाम यूज़ करने के बाद आपका जो मेकअप है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होकर के उस ऑयली टेक्स्चर वाले बाम के साथ जुड़ जाता है। लेकिन अब उसे स्किन से डिटैच करने के लिए जब आप पानी का इस्तेमाल करते हो तो वो इमल्सिफाई होता है, यानी कि वो स्किन से डिटैच होकर सारा के सारा मेकअप कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है फेस से।
तो आपको लगता होगा कि क्लेंजिंग बाम काफ़ी ऑयली है तो फेस पर रह ना जाए. सो इफ़ यू इमल्सिफाइड तो देर आर नो चांसेस के अब कोई भी ऑयल या ऑयली टेक्सचर आपके फेस पे रहे या कोई मेकअप रेसिड्यू आपके फेस पे रहे. आई एम कम्फर्टेबल यूजिंग बोथ द मेथड्स क्योंकि मैं दोनों ही मेथड में फेस वॉश का इस्तेमाल करती हूँ आफ्टर यूजिंग द क्लेंजिंग बाम. सो यू कैन मेक योर ओन चॉइसेस. एंड ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि इसे मुझे अपने हाथों में वार्म अप करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा. इफ़ आई कंपेयर विद अर्थ रिदम क्लेंजिंग बाम विच आई हैव शोन यू इन माई प्रीवियस वीडियो. सो येस, इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा है एंड इट डज इट्स जॉब. द ओनली डाउन साइड अबाउट दिस प्रोडक्ट वुड बी इट हैज़ फ्रेग्रेंस विच द अर्थ रिदम क्लेंजिंग बाम डिड नॉट हैव. एंड येस, दैट्स ऑल अबाउट टूडे. आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू. इफ सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.